इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक 10th पार्ट है। वैल्यूज, वैल्यूज का मतलब होता है मूल्य, मूल्य। वैल्यूज रेफर टू ए सर्टन इंट्रेंजिंग क्वालिटी आर वर्थ, आर वर्थ। मूल्य का मतलब होता है कुछ निश्चित स्वाभाविक गुण अथवा लायक होना, अथवा लायक होना। किसी चीज़ में अगर कोई स्वाभाविक गुण है या वो लायक है, किसी काबिल है, जिसकी लोग कीमत लगाते हैं तो उसी को मूल्य कहते हैं। जिस चीज़ की कीमत लोग नहीं लगाते उसको मूल्य नहीं कहते हैं। जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी, हर कोई चाहता है और हर ईमानदार नौकर को लोग पेमेंट करना चाहते हैं, तो उसको मूल्य हुआ। ऑनेस्टी जो है एक मूल्य हुआ। तो मूल्य का मतलब होता है कुछ निश्चित स्वाभाविक गुण अथवा लायक होना, होना। दे आर सीन स्टैंडर्ड्स आर क्राइटेरिया दैट पीपुल डेवलप फॉर गाइडिंग देयर एक्शंस, फॉर गाइडिंग देयर एक्शंस। उन्हें मानदंड के तौर पर देखा जाता है। मूल्य को क्या होता है? मानदंड के तौर पर देखा जाता है, जिसे लोग अपने कार्यों को दिशा देने के लिए विकसित करते हैं, जिसे लोग अपने कार्यों को दिशा देने के लिए विकसित करते हैं। मूल्य जो है हर आदमी अपने अंदर विकसित करता है और अपने कार्यों को दिशा देता है, अपने मूल्य के अनुसार उसको दिशा देता है। कोई चोर है, कोई बेईमान है, कोई माफिया है, कोई डकैत है, तो ये सब मूल्य है, सब मूल्य है। लोग अपने कार्यों को उसी के अनुसार से विकसित करते हैं। वैल्यूज एंड इथिक्स, वैल्यूज एंड इथिक्स ऑफ एन गो टूगेदर, वैल्यूज एंड इथिक्स ऑफ एन गो टूगेदर। मूल्य और नीति शास्त्र अक्सर साथ साथ चलते हैं, मूल्य और नीति शास्त्र अक्सर साथ साथ चलते हैं। यानी इथिक्स में जो है वैल्यूज का बहुत बहुत मान सम्मान है। कॉरपोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस आल्सो डील्स विथ ए सेट ऑफ वैल्यूज आर स्टैंडर्ड्स टू बी मेट, टू बी मेट। निगम से संबंधित शासन प्रणाली भी कुछ मूल्य अथवा मानदंड को पूरा करती है। निगम से संबंधित जो कॉर्पोरेट घराने होते हैं, कॉर्पोरेट निगम से संबंधित शासन प्रणाली भी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी कुछ मूल्य अथवा मानदंड को पूरा करती है। ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, ये एक तरह से समाजवाद और साम्यवाद है, उसको ये जवाब देता है, उसको जवाब देता है, थोड़ा बहुत जवाब देता है। कि जैसे समाजवाद है और समाज साम्यवाद है, तो समाज के गरीब तबकों का या कमज़ोर तबकों की भलाई के लिए समाजवाद और साम्यवाद काम करता है या ध्यान में रखता है। यानी मानव सभ्यता का पहलू है कि जो बलवान हैं वो भी जीवित रहें और जो कमज़ोर हैं वो उनका भी ख्याल रखा जाए, यही काम समाजवाद साम्यवाद करता है। तो ये कॉरपोरेट जो हो तो घराने जो हैं या कॉरपोरेट गवर्नेंस जो है, ये जो है पूंजीपतियों का है। तो पूंजीपति भी कहते हैं कि नहीं, हम भी दयालु हैं, हमारे अंदर भी करुणा है, हम भी जो है गरीब तबकों का ध्यान रखते हैं, कमज़ोर तबकों का ध्यान रखते हैं। तो कॉरपोरेट जो घराने होते हैं कुछ समाज सेवा का काम करते हैं, भले वो ही वो दिखाने के लिए करते हों, लेकिन उनका भी कुछ मूल्य, इसलिए वो कहते हैं कि हमारे अंदर भी कुछ मूल्य मूल्य है। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाई वैल्यूज एंड वैल्यू सिस्टम एंड वैल्यू सिस्टम। संप्रेषण प्रक्रिया मूल्य एवं मूल्य प्रणाली से प्रभावित होती है, संप्रेषण प्रक्रिया मूल्य एवं मूल्य प्रणाली से प्रभावित होती है। जो कम्युनिकेशन होता है, बिना मूल्य के कम्युनिकेशन सही देखा जाए तो होता नहीं है, कुछ ना कुछ तो मूल्य उसके अंदर होता है। When there is a high degree of congruence, communication is high. जब उच्च कोटि का अभिनंदन होता है तो संप्रेषण आसान हो जाता है, जब उच्च कोटि का अभिनंदन होता है तो संप्रेषण आसान हो जाता है। इसीलिए जो बाबा लोग होते हैं, धर्माचार्य लोग होते हैं, वो अपना जो ड्रेस है पहनते हैं, कोई जो है आड़ा तिरछा, कोई जो है तिलक लगाए रहता है, पूरा भभूत लगाए रहता है, और ड्रेस भी ऐसे पहनते हैं कि लोग देख करके उनके सामने सिर झुका देते हैं, और फिर जब वो कुछ कहते हैं तो लोग उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो इसी तरह से जो फैकल्टी जिसको हम सम्मान देते हैं तो वो जो कहता है तो उसको लोग जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। हमारे मूल निवासी बहुजनों में जो मानसिक गुलामी आई है, जो 7000 जातियाँ हैं हमारे इस देश की, तो वो इसी तरह से आई हैं कि ये शैतान नस्ल के लोग जो है
ऐसे नकली बाबाओं को हमारे सामने खड़ा कर दिया, और लेकिन उनको सजा करके, संवार करके, फूल माला चढ़ा करके कि इनके चेला बन जाओ, इनके सामने सिर झुकाओ, इनको दान दक्षिणा दो तो तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा, ये भगवान से कुछ कह देंगे, ऊपर देव बैठा कह देंगे, तुमको तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तो ये इसको इसी कहते हैं कि जब उच्च कोटि का अभिनंदन होता है तो संप्रेषण आसान हो जाता है, संप्रेषण आसान हो जाता है। जो संप्रेषण करता है उनको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, खास करके जो सामाजिक और सांस्कृतिक धार्मिक राजनीतिक संगठन जो भी हैं, जो चाहते हैं कि समाज में अच्छी बात पहुँचे, तो उन्हें अपनी फैकल्टी का मान सम्मान करना चाहिए, तभी उनकी बात जो है आसानी के साथ संप्रेषित हो पाएगी, आसानी के साथ संप्रेषित हो पाएगी।